सबसे पहले स्क्रीन पे आप ये देखिए कि 30,000 का लोन यहां पे आप भी ले सकते हैं इस तरह से, नो हिडन फीस, अप्रूवल इन 50 मिनट, ठीक है। और यहाँ पे पीरियड टाइम देख लीजिए, 180 दिन की लोन मिल रहा है और यहाँ पे 6 महीने में कितना रिपेमेंट करना ये देख लीजिए, आईडी कार्ड ओनली देना, 24 घंटे सेवा उपलब्ध है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करके आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बताइए इससे अच्छी ऐप आपको कहाँ मिलेगी। तो आज ऐसी ही एक ऐप आपको बताऊंगा जहां पे सिर्फ आधार कार्ड देना है, पैन कार्ड देना है, आप 30,000 तक का लोन आसानी से ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी ऐप है, 4.0 से ऊपर की रेटिंग है, लगभग 4.2 की रेटिंग है, मैंने अभी देखा नहीं है लेकिन है 4.0 से ऊपर ही, ठीक है। कोई इनका प्रूफ नहीं देना है, बेस्ट ऐप है। अगर लोन लेना चाहते हैं तो इस ऐप से आप ले सकते हैं, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, बहुत अच्छी ऐप है। आप एक बार जानकारी पूरी ले लीजिए, वीडियो आखिर तक देखें, आपको हर एक बात समझ में आ जाएगी। कौन सी ऐप है तो आपको मैं क्लियर करता हूं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को प्रेस करते हैं ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और साथ ही साथ में टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, स्क्रीन पर लिख क्या होगी @vinaylv0 और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का मैंने डायरेक्टली लिंक प्रोवाइड कर दिया, डायरेक्ट क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं मोबाइल की स्क्रीन पर चलिए आपको लोन डिटेल शेयर करता हूं। तो भाई सबसे पहले तो आप यहां स्क्रीन पे देखिए, ये है वो ऐप, लोन फ्रेंड पर्सनल लोन है, वैभव व्यापार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसी कंपनी की ऐप है, ठीक है। यहां पे मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, देखिए 4.3 की रेटिंग है, 5 मिनट डाउनलोड से, जैसा कि मैंने बोला था 4.0 से ऊपर की रेटिंग है, 4 से ऊपर की रेटिंग है, 4.3 की रेटिंग है, 5 मिनट डाउनलोड से। अबाउट अस ऐप में चलेंगे, यहाँ पे देखिए आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे साफ शब्द हुआ लोन फ्रंट इधर डिजिटल प्रोडक्ट वैभव व्यापार प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। इसको जो एनबीएफसी है, जो लैंडिंग पार्टनर है, मुथूट फाइनेंस है और यह भावना कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों इस ऐप की खास बात करें तो 600 के क्रेडिट स्कोर पर भी लोन प्रोवाइड कर देती है, ठीक है। 600 का अगर आपका सिविल स्कोर है तो आपको लोन मिल जाएगा। इंडिया कैप होनी चाहिए, 23 साल से कम की एज नहीं होनी चाहिए, 15,000 पर मंथ की आपकी स्टेबल इनकम होनी चाहिए, चाहे आप कहीं से कमाते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन 15,000 रुपए आप कमाते हो, इसका आपको कोई प्रूफ नहीं देना है। आपको 15,000 रुपए की इनकम नहीं दिखानी है, बस आपके कॉलम आएगा उस पर आपको भरना है कि 15,000 रुपए मैं महीने कमाता हूं, ठीक। नीचे आप आएंगे तो देखिए जो डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं, मेन चीज जो आपको दिखाना चाहता हूं, ओनली आधार कार्ड पैन कार्ड, सेल्फी, पैन कार्ड और नीचे गवर्नमेंट आईडी एड्रेस प्रूफ, जो कि आप आईडी प्रूफ में वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड दे सकते हैं। जैसे आधार कार्ड नहीं है तो उसके अलावा और भी डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, यहाँ पर उन्होंने ये बोला है, लेकिन आधार कार्ड जाहिर सी बात है सबके पास है, तो आप आधार कार्ड, पैन कार्ड और ये जो सेल्फी आपको देनी होगी, आप लोन ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए फ्लेक्सी पर्सनल लोन है, यहाँ पे आपको 30,000 तक का मिल जाएगा, 5 मिनट के अंदर मिलेगा, मिनिमम 3 महीने और मिनिमम 3 महीने से लेकर मैक्सिमम 12 महीने तक का आप यहाँ पे टोटल टाइम मतलब दे सकते हैं, आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे फ्लेक्सी पर्सनल लोन का मतलब होता है ओनली आधार कार्ड, पैन कार्ड की बेस पे लोन, मतलब बहुत ही फ्लेक्सीबल लोन है, बहुत ही ऐसा लचीला फ्लेक्सी, जैसा कहता है इसका मतलब होता है बहुत ही लचीला है, बहुत ही आसानी से लोन मिल जाएगा। वो ये है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड सब किसी के पास मौजूद होता है आज के टाइम में, तो आराम से लोन मिल जाएगा आधार कार्ड, पैन कार्ड पे। फिर सेकंड नंबर पे आता है पर्सनल लोन फॉर सैलरीड, मतलब कि यहाँ पे आप 2 लाख तक का लोन ले सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे सैलरी का प्रूफ देना पड़ेगा, जैसे कि आपकी जो मंथली सैलरी आती है, किस कंपनी में काम करते हो, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, वर्क डिटेल्स जिसको कहते हैं, वो आपको देनी पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप मिनिमम 1500 रुपए और मैक्सिमम 2 लाख तक का लोन ले सकते हैं, ये मतलब ऑल ओवर टोटल सबकी बात है, चाहे आधार कार्ड, पैन कार्ड वाले हो, चाहे सैलरीड पर्सन हो, ठीक है। लोन टेन टाइम की बात करें, मिनिमम 3 महीने, मैक्सिमम 24 महीने का यहाँ पर टाइम देखने को मिल जाएगा। इंटरेस्ट रेट की बात कर लें, 16 से 36% मिल जाएगा देखने को। प्रोसेसिंग फीस की बात करें, 1% से 7.5% ऑफ द लोन अमाउंट बेस्ड ऑन रिस्क प्रोफाइल ऑन लोन अमाउंट, ठीक है। एपीआर रेंज की बात कर लें, 17% से 70% बेस्ड ऑन रिस्क है, मतलब एपीआर जो रहेगा वो आपका आपके प्रोफाइल के रिस्क के ऊपर रहेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए आपकी बाकी जानकारी यहाँ पे और मिल जाएगी। एक एग्जाम्पल समझते हैं कि यहाँ से लोन लेना ठीक है या बेकार है। 50,000 का लोन अगर आप 1 साल के लिए लेते हैं तो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट लगेगा 17.95% पर एनम का। प्रोसेसिंग फीस लगेगी 1,000 रुपए की, ठीक है, मतलब 2% लगा लीजिए 50,000 का, तो लगभग 1,000 रुपए निकल के आता है, 2×5 = 10, ठीक है। और जीएसटी भी आपको देनी पड़ेगी। लाइफ टाइम रजिस्ट्रेशन फीस आपको एक बार जरूर देनी है 250 रुपए की, मतलब एक बार आप लोन ले लेते हैं तो उसमें आपको 250 रुपए और देने होंगे। उसमें क्या होगा, अगली बार कभी लोन लेते हैं फिर आपको नहीं देने, मतलब रजिस्ट्रेशन फीस है, यहाँ पे आप अपने आपको रजिस्टर करेंगे उसकी फीस ले रहा है, ये थोड़ा सा क्या मेरे हिसाब से गलत है, आपके हिसाब से भी होगा, इसको हम खत्म करते हैं। फिर यहाँ पे आपको जीएसटी 225 रुपए, जो कि 1,000 रुपए प्रोसेसिंग फीस है ना, उसका जीएसटी 18%, तो लगभग आपको यहाँ पे 1,225 रुपए प्रोसेसिंग फीस के लग जाएंगे, 48,525 रुपए आपके अकाउंट में आएगा सब कार्ड पीट के, ठीक है। और यहाँ पे आपको 4,583 रुपए की ईएमआई बन जाएगी। और यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पे देखिए टोटल जो कॉस्ट आ रही है, यहाँ पे जो निकल के आ रही है 6,471 रुपए की आ रही है, यहाँ पे आपको टोटल कॉस्ट लगेगी 1 साल में 50,000 के लोन की।
आपको रिपेमेंट करना है 54,996 रुपए का। तो भाई बहुत ही मस्त ऐप है, यहाँ से आप ले लो, बहुत ही कम कॉस्ट पे लोन मिल रहा है, आप खुद चेक कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज हैं और यहाँ पे मैं एक बार ऐप को ओपन करके दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से ये ओपन होती है। लोन फ्रेंड व्यापार वालों की ये ऐप है। यहाँ पे देखिए हमारी डिटेल्स को फैच किया जा रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा बैक आएंगे, ठीक है, मैं आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये फैचिंग डिटेल्स है ना, तो आप यहाँ पे अपने मोबाइल नंबर से लॉग इन वगैरह कर लीजिएगा। तो उसके बाद यहाँ पे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, पैन कार्ड पे जो नाम पड़ा है ऑफिशियली वो डालना है, पैन कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल आप क्या हैं, और यहाँ पे आपका आधार, ठीक है, और आपके आधार जो है मोबाइल से लिंक होना चाहिए क्योंकि उस पर OTP आएगा, आधार कार्ड वेरीफाई होना बहुत जरूरी है, पिन कोड आपको डालना है और उस पर टिक मार के कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। ये देखिए यहाँ पे देखिए आधार मांगा, ठीक है, और आपको ये देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे पैन नंबर मांगा, कुछ और तो नहीं मांगा ना, जो डॉक्यूमेंट्स बोले गए हैं अवॉर्ड में वही तो मांगे ना, तो ये चीज आपको दिखानी थी इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं अप्लाई करके नहीं दिखा सकता, लेकिन आपको 30,000 तक का यहाँ पे मैक्सिमम है, लेकिन आपको 15,000-10,000 इस तरह का छोटा लोन मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। लोन फ्रंट अच्छी ऐप है, यहाँ से आप लोन ले सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस लोन के ऐप के बारे में आपको जानकारी मिली होगी। तो यहाँ पे मैं आपको दो ऐप और सजेस्ट कर रहा हूँ जो आपको घर बैठे लोन प्रोवाइड कर देंगे। एक तो TrueBalance होगी जो आपको 15 से 20 हज़ार का लोन प्रोवाइड कर देगी, ऑनली आधार कार्ड पैन कार्ड पे, आपको MoneyView भी जो है लोन प्रोवाइड कर देगी जिसमें आपको आधार कार्ड पैन कार्ड और बैंक का स्टेटमेंट देना पड़ सकता है, इनका प्रूफ देना पड़ सकता है, ठीक है ना। वो आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कैसा लगाना है, नॉर्मली बैंक का स्टेटमेंट लगाना है, आप अच्छा खासा लोन ले सकते हैं MoneyView से। इन दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए, मर्जी आपकी है किससे आप लोन लेना चाहते हैं, जो आपके सुटेबल हो वहाँ से लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं चलता हूँ, मिलता हूँ उसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।